नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शैला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की, जिसमें मंगलवार को आप देखेंगे कि देवी पार्वती प्रद्युम्न को ईश्वर देती हैं। इधर शंबरासुर अपनी पत्नी मायावती से कहते हैं कि वो प्रद्युम्न को खत्म करके रहेंगे। अब युद्ध के मैदान में प्रद्युम्न और शंबरासुर आमने सामने हैं। हे प्रद्युम्न, मेरा मुद्गर कभी निष्फल नहीं हो सकता, परंतु जगत के कल्याण के लिए मैं तुम्हें ईश्वर प्रदान करती हूँ। मायावती, मैं प्रद्युम्न का वध करूंगा, अवश्य करूंगा। तुम्हें अपने पुत्रों के वियोग का बड़ा खेद है, मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती दैत्यराज, इसलिए मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास नर्क में पहुंचा देता हूं। तो क्या होगा इस युद्ध का अंजाम, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक विष्णु पुराण की बात कर लेते हैं, जिसमें मंगलवार को आप देखेंगे कि वामन अवतार में यज्ञ में आए भगवान विष्णु बलि की दान दक्षिणा से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपने विष्णु अवतार के दर्शन देते हैं। इधर राजा सहस्त्रार्जुन शिकार खेलने बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार उन्हें शिकार खेलने नहीं जाना चाहिए। तुम्हें सत्य के मार्ग पर केवल ईश्वर ही ला सकते थे, और इसीलिए मैंने ये वामन रूप धारण किया। प्रणाम माता। आयुष्मान भगवत, हमें अकेट पर जाने से रोकने का आपको साहस कैसे हुआ? क्षमा करें महाराज, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा आपके और समस्त राज्य के हित में कहा। ग्रहों की दशा इस बात की अनुमति नहीं देती कि कल आप अखेट पर जाएं। तो आखिर क्या करेगा सहस्त्रार्जुन, जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक संकट मोचन हनुमान की, जिसमें मंगलवार को आपको देखने को मिलेगा कि जामवंत हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं। हनुमान भगवान राम की प्रार्थना करते हैं और आखिरकार उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है और फिर वो समुद्र को पार कर लंका में सीता माता की खोज करने चले जाते हैं। विवशता की कोई स्थिति नहीं है युवराज, लंका पहुँचने वाला एक ही वीर है और वो है महाबली हनुमान। आंखें खोलो हनुमान, आंखें खोलो, तुम्हारा अवतार श्री राम का कार्य पूर्ण करने के लिए ही हुआ है। चिंता ना करें, मुझे अपने कर्तव्य का भली भांति स्मरण है, मैं माते वैदेही का पता लगाने अवश्य जाऊंगा। क्या हनुमान की यात्रा बिना बाधा के पूर्ण हो सकेगी? यही आशंका देवताओं को भी है देवी। तो आगे मार्ग में हनुमान को मिलेंगी क्या चुनौतियां, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक शक्तिमान की, जिसमें मंगलवार को आप देखेंगे कि शक्तिमान महागुरु से मणि ढूंढने में मदद मांगता है। महागुरु कहते हैं कि मणि तो आखिर उसे खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। इधर जयकाल मणि से पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। तुम्हें उस मणि को बिना हमारी सहायता के केवल अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर ढूंढना होगा वत्स, इसे तुम अपनी परीक्षा ही समझो। जो आज्ञा महागुरु। शक्तिमान, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है शक्तिमान, अब तुझे जयकाल नहीं छोड़ेगा। तो आखिर शक्तिमान जयकाल को रोकने की क्या कोशिश करेगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।